नमस्ते बेटिया, सदा खुश रहो बेटिया। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रेसिंग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान। टुडे वी डिस्कस अबाउट कपूर। कपूर कपूर बॉटनिकल नेम इज सिनोमम टेम्पोरा। नाम याद रखना आपको, सिनोमम टेम्पोरा। फैमिली नेम इज लॉरेसी फैमिली, लॉरेसी फैमिली कुल, कपूर कुल। नेम इन अदर लैंग्वेजेस, हिंदी में कपूर ही कहते हैं अपन इसको, ठीक है। सिनोमम टेम्पोरा, लॉरेसी फैमिली, ये दोनों याद रखने। हिंदी में अपन कपूर कहते हैं इसको। सिनोनिम इट्स मीनिंग कर्पूर है। कर्पूर एन एरोमेटिक एक्सुडेशन ऑफ विच रिलीव्स फ्रॉम डिजीजेस। तो इसका नाम कर्पूर क्यों दिया गया, क्योंकि एन एरोमेटिक एक्सुडेशन, ये एक एरोमेटिक एक्सुडेशन होता है, और विच रिलीव फ्रॉम डिजीज, जो बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए इसका नाम है कर्पूर। शीताभ्र, वाइट इन कलर, रिजेंबलिंग वाइट क्लाउड्स, ठीक है। शीताभ्र, शीत मतलब वाइट, अभ्र मतलब बादल, वाइट इन कलर, रिजेंबलिंग वाइट क्लाउड्स। हिमवालुक, इट अपीयर्स इन पाउडर फॉर्म। हिमवालुक, इट अपीयर्स इन पाउडर फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड हिमवालुक। घनसार है, द एक्सुडेट इज इन सॉलिड फॉर्म, घनसार। चंद्र संज्ञा है, हैविंग ए प्लीजेंट लुक, सो इट इज कॉल्ड चंद्र संज्ञा। हिमा हवा या हिमनामा, इट इज ए वाइट एज आइस, सो इट इज कॉल्ड हिमा हवा। या फिर शिशिर है, इट इज कूल टू टच और कूलिंग, ठीक है, शिशिर है। शीतल रज है, इट इज इन पाउडर फॉर्म एंड कूल टू टच, शीतल रज है, इट इज पाउडर फॉर्म एंड कूल टू टच, शीतल रज है। स्फटिक, इट इज इन ब्लॉक्स, स्फटिक, इट इज इन ब्लॉक्स, सो इट इज कॉल्ड स्फटिक, ठीक है। तो देन मेयर मैन फीचर्स फ्रॉम सिनोनिम्स, द एक्सुडेशन ऑफ द प्लांट इज यूजफुल पार्ट, इट इज अ वाइट आइदर इन पाउडर फॉर्म और ब्लॉक्स एंड एरोमेटिक, इट इज कूलिंग एंड प्लीजेंट, ठीक है। वेद वेराइटीज देखें अपन, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश निगम टू टू वेराइटीज हैव बीन मेंशन, पहली पक्व और दूसरी अपक्व। द अपक्व वेराइटी इज सेड टू हैव बेस्ट प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू राज निगम टू, डिपेंडिंग ऑन रस गुण वीर्य, 14 वेराइटीज हैव बीन मेंशन, ठीक है। पोटाश, कोत्सा, भीमसेन, शीत शर्करा एंड शंकरवास एंड तंसु, पिंजा, अपदासरा, हिमायुक्त, बालुका, ज्योतिका, तुसरा, हिमा, शीताला एंड अविका। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्म वेयर इट इज कलेक्टेड, 3 वेराइटीज हैव बीन मेंशन, दैट विच कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सिर शिमजनक, ठीक है, सिरा समजनक। द वन विच इज collected from the middle part of the plant is called madhyam, and that which collected from lower part of the leaf, that is called talsamjanak ya talsanjanak. It comes from variety as available, it commercially 4 variety are available. Pehli hai bhimseni kapoor, dario balanops camphora, it is known as camphor oil or borino of borino, borneo. चाइना और जापान कपूर, सिनोमम टेम्पोरा, विच इज कॉमनली यूज एज कपूर। पत्री और नागी कपूर, दिस इज कंसिडर टू बी इंडिजीनस टेम्पोर, बट कपूर इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम दिस प्लांट, बट मोस्टली इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। देयर आर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ दिस प्लांट, मेनली ब्लूमिया, बैल्सेमीफेरा एंड डेंसीफ्लोरा आर आइडेंटिफाइड इन दिस variety. Kritim Kapoor, the synthetically produced, this type is very freely available and used as Kapoor. ठीक है, तो commercially 4 प्रकार के कपूर available हैं. Habitat, उत्पत्ति स्थान, in India mostly under cultivation in Dehradun and in the garden. Habit, स्वरूप, quite glabrous, leaves alternate and characteristics and finally coriaceous. Long petiole, ovate or oblong or lanceolate oblong at both ends, attenuate, acute, three-nerved, delicately transversely veined,
on the upper side, shining 5 to 12.5 cm long, 2.5 to 5 cm broad, uniformly colored on both sides or below paler or glaucous. Panicles axillary shorter than the leaf and pedicle thin branching at the apex. Branches 3 to 1, flowered, calyx yellow, slightly longer than the pedicel, about 3 mm long, lobes inside slightly, cano tomentose. उपयुक्त अंग और पार्ट यूज निरियास कैम्फर के निरियास एक्सुडेशन है वो यूज होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट कैम्फर इज फॉर्म्ड इन द ऑयल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री. दीज सेल्स बिगन टू फॉर्म अर्ली ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन एंड फिल्ड विद क्लियर येलो ऑयल फ्रॉम विच कैम्फर इज स्लोली डिपॉजिटेड. द ऑयल प्रोग्रेसिवली बिकम्स कलरलेस एंड वॉलेटाइल एंड इरेगुलर लाइट मसल्स ऑफ कैम्फर अपीयर. Due to loss of resistance to permeability, the oil passes through the cell wall into other cavities in the tissue. Camphor can be distilled from all parts of the tree. Rus, the properties of camphor. Rus, tikt, katu and madhur. The properties of camphor, firstly rus, tikt, katu and madhur. Virya is sheath. And gun, gun is lagu, tikshna. Gun, lagu and विपाक कटु. रोग दोष कर्म त्रिदोषम कैम्फर इज त्रिदोषम. रोगन कर्म था फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस. वृष्य दिस इज यूज्ड एज वाजिकारक. वृष्य चक्षुष्य नेत्रों के लिए हितकारी बताया. लेखन दिस है स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज. सुगंध एंड कफग्न कफ का नाश करने वाला. पित्तग्न ऑल्सो विषग्न ऑल्सो एंड दाह प्रश्मन एंड प्रश्न निग्रहण. मुख रोग है मुख रोगों को दूर करने वाला भी है. मेदो रोग है ठीक है. एंड दुर्गंध नाशन भाई ये खुशबू देता है ठीक है. सुगंध करने वाला सुगंध देने वाला है तो दुर्गंध नाशन भी. वात है वात दोषों को दूर करने वाला है. दीपन दीपन प्रॉपर्टीज. कास हर कास रोग को दूर करने वाला है ठीक है. ज्वरग्न ज्वर रोग को दूर करने वाला है. स्वेद जनन ठीक है. अब ज्वर को कैसे दूर करेगा. स्वेद तो बढ़ाते स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो ज्वर उतर जाता है. कामोत्तेजक जैसे कि फर्स्ट देखा वृक्ष तो ये वाजिकारक कामोत्तेजक भी है. एंड स्तन्य नाशन ठीक है. स्तन्य नाशक है ये. रुचि भोजन में रुचि. एंड अतिसार हार अतिसार को दूर करने वाला है. एंड जंतुघ्न कृमियों का नाश करने वाला है. एक बार वापस देखेंगे फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस. वृष्य है चक्षुष्य है लेखन है सुगंध है एंड कफग्न है पित्तग्न है विषग्न है दाह प्रश्मन है तृष्णा निग्रहण है मुख रोग हर है मेदो रोग हर है दुर्गंध नाशक प्रॉपर्टी है वात हर है दीपन है काश हर है एंड ज्वर ज्वरग्न ज्वर को दूर करता है स्वेद जनन है कामोत्तेजक है स्तन्य नाशन है रुच्य है अतिसार हर है एंड जंतुघ्न है. कपूरस अतायक अतिसार हर बताया ना. कपूरस बेस्ट मेडिसिन है अतिसार की ठीक है. तुरंत रोक देता है तो ये अतिसार हर है. एंड आमिक प्रयोग थेरापेटिक यूजेस इन आमाशय रोग लाइक अतिसार वमन विसूचिका आधमान शूल इज यूजफुल. इट इज बैनिंग स्टेजेस ऑफ विसूचिका. कर्पूरासव इज गिवन बिगनिंग स्टेज अगर विसूचिका की शुरुआती अवस्था है तो अपन इसमें कर्पूरासव दे सकते हैं. कर्पूरासव इज ऑल्सो गिवन इन अतिसार ठीक है. कर्पूरासव अतिसार में भी देते हैं प्रवाहिका में भी और संग्रहणी में. संग्रहणी में कर्पूरासव इज ऑल्सो गिवन इन अतिसार प्रवाहिका एंड संग्रहणी मतलब उधर रोग है सारे उसमें कर्पूरासव दे सकते हैं. इट इज
यूजफुल इन श्वास हृदरोग एज उत्तेजक, ठीक है, श्वास में हृदयरोग में उत्तेजक के रूप में ये काम करता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन स्टमक श्वास एंड फुक्कस कास एंड अदर कफज विकार, ठीक है, कफज रोगों के अंदर भी ये यूजफुल है। इन स्टमक श्वास कपूर हिंगू वटिका इज गिवन। इट इज यूजफुल इन कंपवात अपस्मार योसापस्मार उन्माद एक्सेट्रा, तो मानस रोगों में भी ये यूज होता है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी ये यूज होता है। इट इज गिवन विद पारसी की वाणी और कामोत्तेजक। जब हम इसका यूज कामोत्तेजक के रूप में करेंगे तो उसको पारसी की वाणी के साथ देना है। इट इज यूजफुल इन स्त्री जननेन्द्रिय कंडू गर्भाशय रोग एंड कष्टार्थ रोग, तो स्त्री रोगों में भी ये यूजफुल है। मात्रा निर्यास इसका यूज होता है कपूर का, तो 125 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक ये इसकी डोज रहेगी। इसके जो फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे कि काफ़ी नाम इसके आमिक प्रयोग में आ गए, जैसे कर्पूरा सब है, ठीक है, उदर रोगों में जैसे अपने पढ़ा प्रवाहिका चंद्रवेणी अतिसार, इनमें कर्पूरा सब का यूज होता है। ऐसी कपूर रस है जैसे मैंने कहा था काफ़ी अच्छी औषध है, अगर कहीं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा अतिसार तो कपूर रस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अर्क कपूर ये भी इसका एक फॉर्मुलेशन है और अमृत बिंदु, दीज ऑल आर फॉर्मुलेशन ऑफ कपूर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखेंगे वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है, और स्टर्नोट स्टीरियोटेंसेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। विष लक्षण टॉक्सिक स्टम्स ऑन एक्सेसिव डोज इट कॉजेज उदरशूल, अगर आपने मात्रा ज़्यादा दे दी तो उसकी वजह से क्या होगा, पेट में दर्द होगा, उदरशूल, सर्दी, उसको वॉमिटिंग हो सकती है एंड भ्रम की स्थिति हो सकता है, दृष्टि मान दे उसको दिखना कम हो सकता है, प्रलाप कर सकता है वो, ठीक है, और मूत्राघात, उसका यूरिन बंद हो सकता है एंड इन द एंड डेथ, और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो कोई भी वैद्य हो, कोई भी डॉक्टर हो, उसको औषधियों की डोज हमेशा पता होनी चाहिए और एक निश्चित डोज के अंतर्गत ही औषध प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर डोज ज़्यादा हुई तो उसके कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। चिकित्सा ट्रीटमेंट वमन अमाश्य प्रक्षालन, ठीक है, अगर ज़्यादा हो गए विष लक्षण, ठीक है, टॉक्सिक सिम्टम्स आने लगे तो क्या करना है, वमन करवाना है उसको, अमाश्य प्रक्षालन करना है, विरेचन छोड़ भी दिया उसको, आप विरेचन भी दे सकते हो प्रवेशन, उत्तेजक द्रव्य लाइक कोपिलू कस्तूरी एक्सेट्रा दिया उसको क्या दे सकते हैं, कस्तूरी कोपिलू ये सब उसको दे सकते हैं। देन भाव प्रकाश निघंटू क्लासिकल रेफरेंस, भाव प्रकाश निघंटू सेज अबाउट कर्पूर दैट कुंसी पीबे चेक कर्पूर है शीत भ्रो हिमवालो, क्लासिकल रेफरेंस भाव प्रकाश निघंटू कुंसी क्लीबे चय कर्पूर है शीत है भ्रो हिमवालुक है घन सारश्च चंद्र संज्ञो हिम नाम अभी सहस्मृत है कर्पूर है शीतलो वृश्य चक्षुषो लेखनो लघु सुर भी मधुरस्तिक्त है कफ पित विषाक है दाह तृष्णास्थ आश वैरस्य मेदो दौर्गंध नाशने हैं कर्पूरो दिव्य प्रोक्त है पक्व अपक्व भक्त प्रवेदत है पक्व अपक्व स्व कर्पूरत है प्राहुर पक्वम गुणवत्तरम, ठीक है, जो अपक्व है वो गुणों में श्रेष्ठ है। सो भाव प्रकाश निघंटू कंक्लूड ऑल द टॉपिक, शुरू की दो लाइन में उन्होंने सिनोनिम्स बता दिए, जैसे कुंसी क्लीबे चय कर्पूर शीत अभ्रो हिम वालुकै घनसारस चय चंद्र संज्ञो हिमनाम अपि सहस्मृत, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, कर्पूर है शीतलो वृश्य चक्षुष्यो लेखनो लघु सुरभि मधुर तिक्त है कफ तिक्त है विषाप है तृष्णा दाह तृष्णास्त आश्य वैरस्य मेदो दौर्गंधे नाशन है,
ठीक है, तृष्णा तृष्णास्त्र आश्य वैरश्य बता दिया, मेदो दुर्गंध नाश में दीज आर प्रॉपर्टीज, कर्पूर दिव्य पक्वत्व वेद से दो प्रकार के कर्पूर बता दिए, पक्वत्व कर्पूर से प्रभु पक्व गुणवत्तम, जो अपक्व है वो पक्व से गुणवत्तर है, प्रभुर अपक्व गुणवत्तर है, ठीक है, तो जो अपक्व कर्पूर है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, यू शुड लर्न अबाउट ऑल द टॉपिक्स लाइक बॉटनिकल नेम, फैमिली, पर्याय, सिनोनिम्स, दिस मीनिंग, वेद, वैरायटी ऑफ कर्पूर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हैबिटेट, हैबिट, उपयुक्त अंग, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट्स, प्रॉपर्टीज, दोषकंता, रोगमकंता, थेरापेटिक वैल्यू, थेरापेटिक इंपॉर्टेंस, मात्रा, फॉर्मुलेशंस, विश लक्षण, चिकित्सा, क्लासिकल। सो चिल्ड्रंस, दिस सेशन इज पावर्ड बाई डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।